स्पेशल आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। हिंदुस्तान टीवी टुडे टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ में आज मैं लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर रोड पर सबील भी लगाई गई है ताकि पूरी व्यवस्था रखी गई है पानी की, ताकि कोई प्यासा ना रहे। और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि रोड पर नमाज ना पढ़ें और साफ सुथराई का ख्याल रखें, निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी की जाए। ये प्रशासन की तरफ से बहुत ही सख्त आदेश हैं। और सुरक्षा की बात करें तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, आला अधिकारी मौजूद हैं ताकि किसी भी कोई प्रकार की कोई घटना ना हो पाए, इस वजह से यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टीले वाली मस्जिद में साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और चारों तरफ एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टैंकर रखे गए हैं ताकि लोग अपना वजू करके नमाज अंदर जाके पढ़ सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चारों तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग टीले वाली मस्जिद के पास नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात है और किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, साथ ही साथ नगर निगम कर्मचारी भी इस बात का, साफ सुथराई का भी ध्यान रख रहे हैं। और ताकि इसमें खास तौर से लोगों से अपील भी की गई है कि साफ सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी की सबील भी लगाई गई हैं ताकि लोग जो भी नमाज पढ़ने टीले वाली मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आप देखें पानी की सबील लगाई गई है कि लोग पानी पीते रहें, शरबत का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे आप देखें जो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के पास नमाज अदा करा दी गई है। यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर टीले वाली मस्जिद में आए हुए थे। यहाँ पे नमाज पढ़ा दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लखनऊ में भारी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। इस टीले वाली मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो शांतिपूर्वक घर जाएं और ध्यान ना दें और कुर्बानी निर्धारित स्थानों पर ही की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लोग एक दूसरे से मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ा दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ खुशी का माहौल दिखाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, अब यहाँ पर नमाज पढ़ा दी गई है टीले वाली मस्जिद लखनऊ में। अब यहाँ पे लोग एक दूसरे से मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, चारों तरफ एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस ईद के मौके पर इस तमाम, इस चैनल की टीम की तरफ से तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे, इसी को देखकर लगता है बकरीद लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ, बकरीद मिटा देती है इंसानों में दूरियाँ, बकरीद है खुदा का एक नायाब तबारक, हम सभी कहते हैं आपको बकरीद मुबारक। आप देख सकते हैं ये मंजर इस वक्त लखनऊ में टीले वाली मस्जिद का है और आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे। लखनऊ से रिपोर्ट, मोहम्मद अफजल, हिंदुस्तान टीवी टुडे, लखनऊ।